इंडिया में अब तक बुलेट ट्रेन क्यों नहीं आई? वाकई में आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन जापान में 1964 में चली थी, आज से 58 साल पहले। इसके बाद फ्रांस ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन 1981 में चलाई। 1938 में ब्रिटेन ने अपने देश में पहली बुलेट ट्रेन को लॉन्च किया। इसी तरह अमेरिका वासियों ने 1969 में बुलेट ट्रेन की सवारी की। इसके बाद साउथ कोरिया ने 2004 बुलेट ट्रेन के मामले में बाजी मार ली। यहां तक कि चीन भी बहुत पहले ये कर चुका। लेकिन अब तक भारत में बुलेट ट्रेन क्यों नहीं आई? क्यों भारत बुलेट ट्रेन के मामले में अभी तक पीछे? आज 2022 का ये भारत ऐसा भारत है जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, ना पैसों की ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन उसके बाद भी भारत में अब तक बुलेट ट्रेन क्यों नहीं आई? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, चीन ने अपने देश में बुलेट ट्रेन को लॉन्च किया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने कम वक्त में चीन ने 20,000 किलोमीटर का एक लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क बना लिया। बुलेट ट्रेन के मामले में अगर आप भारत को छोड़ दें तो भारत के अलावा आज अन्य देशों में बुलेट ट्रेन सामान सी बात हो गई है। इन देशों में आज रोजमर्रा के कामों के लिए लोग बुलेट ट्रेन की सवारी करते हैं, लेकिन आज भी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा सपना है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत इस मामले में क्यों पीछे रह गया। दोस्तों, बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए खास तरह की पटरियों की जरूरत होती है, क्योंकि बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। लेकिन आज तक भारत में इस तरह की कोई भी पटरियां नहीं बिछाई गई हैं जो 300 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के बोझ को सहन कर सके। भारत का जितना भी रेल नेटवर्क है, जितनी भी पटरियां हैं, ये सभी की सभी 200 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेनों के हिसाब से बनाई गई थी, और वो भी भारतीयों ने नहीं बल्कि अंग्रेजी सरकार ने जो बनाई थी उसका काफी हिस्सा आज भी यूज हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बुलेट ट्रेन की पटरियों को आखिर क्यों नहीं बिछाया जा सका, इसमें कौन सा बड़ा चैलेंज है? असल में दोस्तों, ये पूरा मामला खर्चे पर आकर रुक जाता है। बुलेट ट्रेन के 1 किलोमीटर के ट्रैक को तैयार करने में पूरे 120 करोड़ रुपए का खर्च आता है। जी हाँ, पूरे 120 करोड़। वहीं 1 किलोमीटर के नॉर्मल ट्रैक को तैयार करने में 8 करोड़ रुपए का खर्च आता है महज। हाल ही में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का रूट बनाया जा रहा है। आपको हैरानी होगी कि इससे 508 किलोमीटर के ट्रैक को बिछाने के लिए पूरे 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन यहां पर भारत ने इस बुलेट ट्रेन के रूट को बनाने के लिए जापान से कर्जा लिया है। कर्जे में डूबा हुआ है देश, सच्चाई है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार के पास बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं? असल में दोस्तों, भारत सरकार लंबे समय से एक ही रणनीति पर काम करती आई है। भारत में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसमें यहाँ तो सरकार खर्च करती है, जिसमें सरकारी इंजीनियर होते हैं, सरकारी मटेरियल होता है, यानी कि सब कुछ सरकार के जिम्मे होता है। लेकिन जब सरकार के पास ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं होते, तब ये दूसरे देश से उधार लेती है, फिर उसी देश की कंपनियाँ इस प्रोजेक्ट को पूरा करती हैं। प्रोजेक्ट बन जाने के बाद उसी देश की कंपनियों को वो प्रोजेक्ट कई सालों के लिए लीज पर दे दिया जाता है। प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद कंपनी अपने हिसाब से कई सालों तक आम जनता से पैसे लेकर अपना पैसा वसूलती है। लेकिन अगर सरकारी कंपनियां इस तरह के प्रोजेक्ट का जिम्मा लेती हैं, तब उसमें भ्रष्टाचार का नमक छिड़क दिया जाता है। इसके बाद आप भी जानते हैं कि किस तरीके से 1 साल में बने ब्रिज धड़ाधड़ अपने आप गिर जाते हैं, धड़धड़ा कर गिर जाते हैं। शायद इसीलिए मुंबई से अहमदाबाद में चलने वाली बुलेट ट्रेन को बनाने का काम आज के समय जापानी कंपनी कर रही है। लेकिन दोस्तों, जरा ये सोचकर देखिए कि क्या हमारे भारत में धन कुबेरों की कमी है? क्या हमारे देश में काबिल इंजीनियर मौजूद नहीं है? बिल्कुल है। अंबानी, अडानी ऐसे कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। टाटा के पास स्टील की कोई कमी नहीं, अंबानी के पास पैसों की कमी नहीं। अगर यही प्रोजेक्ट भारत की कंपनियों को दे दिया जाता तो भारत के उद्योगपति अपना पैसा लगाते, लोगों को रोजगार मिलता, वहीं इसके लिए किसी देश से कर्जा नहीं लेना पड़ता, घर की चीज घर में रहती। लेकिन हर सरकार किसी न किसी तरीके से अपने भारी भरकम प्रोजेक्ट को खुद कंप्लीट करने की जद्दोजहद में लगी रहती है, या फिर विदेशी कंपनियों के सहारे छोड़ दिया जाता है सब कुछ। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर सरकार अपनी सरकारी कंपनियों के जरिए किसी प्रोजेक्ट पर काम करती है तो उसे फिर 10 से 15 सालों के लिए प्राइवेटाइजेशन की कढ़ाई में तल दिया जाता है। आज के समय आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया गया है, जो आज प्राइवेट हाथों की भेंट चढ़ चुके हैं। लेकिन इस तरह के प्राइवेटाइजेशन से आम जनता की जेब ही ढीली होती है। पहले सरकार अपने प्रोजेक्ट से लोगों की जेब ढीली करती है, फिर प्राइवेट कंपनियां। बिल्कुल इसी तरह भारत में बुलेट ट्रेन न आने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है भारत में होने वाली रेल दुर्घटनाएं। अब मानकर चलिए कि भारत में बुलेट ट्रेन आ भी गई तो क्या इससे हमारा सिस्टम बदलेगा? ये कहना बहुत मुश्किल है।
आप भी जानते हैं कि भारत में रेलवे क्रॉसिंग को मौत का कुआं माना जाता है। आए दिन होने वाली रेल दुर्घटनाएं आपका ध्यान जरूर खींचती होंगी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय रेल की पटरियों में हर रोज औसतन 39 मौतें होती हैं। पिछले 5 वर्षों में हमारे देश में 526 रेल हादसे हो चुके हैं। 2015 में पूरे भारत में हुए रेल हादसों की बात करें तो इसमें 26,066 लोगों की मौत हो चुकी है। इन आंकड़ों में कई तरह के रेल हादसे शामिल हैं। इनमें वो हैं जो रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए मारे गए, चलती ट्रेन से गिरकर मारे गए या फिर किसी रेल हादसे का शिकार हो गए। सच माने तो अगर युद्ध जैसे हालात हो भी गए तो भी शायद इतने लोगों की मौत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ जापान 1964 से अपने देश में बुलेट ट्रेन को बेहतरीन ढंग से चला रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 500 सालों में उनकी रेल पटरियों में किसी की मौत नहीं हुई। इन आंकड़ों को देखने के बाद आप खुद ही समझ सकते हैं कि आजादी के 70 साल बाद भी हमारी भारतीय रेलवे कितनी पीछे है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात और नोट करने वाली है। आपको बता दें कि रेलवे की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की अभी तक लाख से 1.25 लाख पद खाली हैं। जी हाँ, क्यों खाली हैं इसके बारे में शायद आपको पता भी चल गया होगा। हाल ही में रेलवे की नियुक्ति को लेकर बिहार राज्य में छात्रों के द्वारा किए गए हिंसक आंदोलन की वजह से आज पूरा का पूरा बिहार इस आंदोलन की आग में चल रहा है। अब आप सोच कर देखिए कि ऐसे में आखिर भारत में कैसे बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। जब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग को पार करेगी तो पता नहीं इसमें कितने लोग इसकी भेंट चढ़ जाएंगे। आज भारत में सामान्य ट्रेनें खस्ता हालत में चल रही हैं तो बुलेट ट्रेन बहुत दूर की बात है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत की गतिमान एक्सप्रेस। 2016 में आगरा से दिल्ली के बीच गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। कहा जा रहा था कि भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। दावा यह किया गया कि 188 किलोमीटर की दूरी को ये 1 घंटे 40 मिनट में पूरा करेगी। लेकिन कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि इसके 10 ट्रिप में से इसके 3 ट्रिप हमेशा देरी से चलते हैं। औसतन ये ट्रेन 11 मिनट लेट चलने लगी है। लेकिन वहीं अगर जापान में कोई ट्रेन लेट हो जाती है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां के लिए पूरे देश की खबर बन जाती है। अगर कोई ट्रेन ड्राइवर की गलती की वजह से लेट हो जाती है तो जापान का ट्रेन ड्राइवर बाकायदा उतर कर हर एक यात्री से माफ़ी मांगता है। इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ तकनीक की बात नहीं, यहाँ पर संस्कार और अनुशासन को भी बखूबी निभाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों भारत में बुलेट ट्रेन न आने का एक और भी कारण है, वो ये भारत की राजनीति। हर 5 साल बाद एक राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में आधार्मिक मुद्दों को उठाकर वोट खींचती है, जिसके बाद उन्हीं में से एक नेता भारत की राजगद्दी पर सवार हो जाता है, जिसके बाद डेवलपमेंट के काम ना करके धार्मिक मुद्दों पर काम किए जाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में बांटा जाता है। 5 सालों तक बस यही होता रहता है। लेकिन अगर सरकार इन सारी चीजों को दरकिनार करके सिर्फ डेवलपमेंट पर काम करे तो यकीन मानिए भारत के लिए बुलेट ट्रेन बनाना और उसे चलाना कोई बड़ी बात नहीं। भारत में ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस काम को बखूबी कर सकती हैं। टाटा जैसी बड़ी कंपनी को भारत के एक हिस्से में बुलेट ट्रेन बनाने और उसे चलाने का काम दे दिया जा सकता है। रिलायंस कंपनी को भारत के दूसरे हिस्से में बुलेट ट्रेन बनाने का काम दिया जा सकता है। इसी तरह भारत में ऐसी और भी कंपनियां हैं। इस हिसाब से भारत को किसी देश से कर्जा लेना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ साथ भारत के कई लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आपसे भी इसके बारे में पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वही हैं जो हर रोज़ ट्रेन में सफ़र करते हैं, हर रोज़ कई तरह के चैलेंजेस को पूरा करते हैं। आप बताइए कि भारत को किस रणनीति पर काम करना चाहिए। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, तो जितना हो सके कमेंट करें और ये सवाल दूसरे भारतवासियों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।